तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चेंगहाई लीन फेंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब लीन फेंग उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हुआ मार्शल अरीना ग्राउंड में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी चेंगहाई लगातार अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लीन फेंग पर अटैक करने लगता है। वही लीन फेंग काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज किए चला जा रहा होता है, जो देखकर वहां मौजूद चेंगहाई के सपोर्टर बोलने लगते हैं, लीन फेंग एक कायर है। वह चेंगहाई से डरकर इधर उधर भाग रहा है। अब यह सब सुनकर चेंगहाई को भी काफी गुस्सा आता है और वह चिल्लाते हुए बोलता है, लीन फेंग मेरे सामने आकर मर्दों की तरह मुझसे फाइट करो। यह सुनते ही लीन फेंग मार्शल अरीना ग्राउंड में आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं अब तक तुम्हें मुझ पर अटैक करने का मौका दे रहा था, पर तुम इसमें फेल हुए। अब अटैक करने की बारी मेरी। चेंगहाई बोलता है, लीन फेंग तुम अपने आप को सच में बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हो, पर सच बात तो यह है कि तुम एक कायर हो, तो अब मेरे अटैक का सामना करो। और अब वह लीन फेंग के ऊपर अपने वाटर ड्रैगन टेक्निक का यूज करता है। अब दो जाइंट वाटर ड्रैगन लीन फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी लीन फेंग अपनी विल ऑफ स्वॉर्ड की पावर का यूज करते हुए उन दोनों ड्रैगन्स पर काबू कर लेता है, जो देखकर चेंगहाई काफी हैरान होता है और बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लीन फेंग बोलता है, तुम्हारे अटैक्स मुझे हर्ट नहीं कर सकते हैं। और अब वह उन ड्रैगन्स को कंट्रोल करते हुए उन्हें अपने अटैक में चेंज कर देता है, जिसके बाद वह दोनों ड्रैगन्स एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट होते हुए चेंगहाई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वहीं सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, आखिर यह किस तरह की टेक्निक है, आज से पहले ना तो उन्होंने ऐसी कोई टेक्निक देखी है और ना इसके बारे में कभी कुछ सुना है। तभी चेंगहाई आगे बढ़ता हुआ उस स्वॉर्ड को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता और वहां पर बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी चेंगहाई के सपोर्टर बोलने लगते हैं, आखिर इस जगह पर क्या हो रहा है, लीन फेंग ने चेंगहाई के वाटर ड्रैगन्स को कंट्रोल कैसे कर लिया और आखिर वह वाटर ड्रैगन एक जाइंट स्वॉर्ड में कैसे बदल गए। वहीं खड़ी मिस सुई बोल रही होती है, लीन फेंग ने इस जगह पर चेंगहाई के सबसे खतरनाक अटैक को अपने अटैक में बदल दिया, यह सच में एक मिस्टीरियस टेक्निक है। यहाँ तक कि लीन फेंग ने अभी तक अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल को भी बाहर नहीं निकाला है। तभी चेंगहाई के सपोर्टर बोलते हैं, शायद से मास्टर बाई चैन ने लीन फेंग को यह टेक्निक सिखाई होगी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मास्टर बाई चैन के पास इतनी खतरनाक टेक्निक मौजूद है। यह सुनते ही हेड मास्टर और वहां मौजूद सभी स्वॉर्ड मास्टर मास्टर बाई चैन की ओर देखने लगते हैं। मास्टर बाई चैन बोलते हैं, मेरे पास ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है, यह शायद से लीन फेंग की अपनी ओरिजिनल टेक्निक है और आज से पहले मैंने भी इस टेक्निक के बारे में कभी नहीं सुना। तभी लीन फेंग चेंगहाई के पास आता हुआ बोलता है, चेंगहाई तो क्या तुम इस जगह पर हार मानना पसंद करोगे। तभी चेंगहाई चिल्लाता हुआ बोलता है, तुम जरूर इस जगह पर चीटिंग कर रहे हो, जरूर तुम्हारे पास कोई मिस्टीरियस वेपन मौजूद है। लीन फेंग बोलता है, तो क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं, मैं बस यहाँ पर तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल हूँ और तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। और यह बोलता हुआ लीन फेंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालता है, जो देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। और अब वह सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, तो इस जगह पर लीन फेंग के पास दो दो मार्शल सोल मौजूद है। वहीं लीन फेंग की फिनिक्स मार्शल सोल भी 8th रैंक की होती है, जो देखकर मास्टर बाई चैन काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लीन फेंग सच में एक मिस्टीरियस पर्सन है। तभी लीन फेंग बोलता है, चेंगहाई ध्यान से देखो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली स्वॉर्ड पावर किसे कहते हैं। और यह बोलता हुआ वह अपने फिनिक्स मार्शल सोल को एक जाइंट स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है, जो देखकर सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। वहीं मास्टर बाईचैन समझ जाते हैं कि लीन फेंग को स्वॉर्ड एम्परर की पावर मिल चुकी है और अब वह बोलते हैं कि आज से पहले मास्टर ल्यू ने अपनी वाटर मार्शल सोल को जाइंट स्वॉर्ड में कन्वर्ट किया था और उनके बाद लीन फेंग ने यह काम किया है। और इस जगह पर लीन फेंग की मार्शल सोल मास्टर ल्यू के मार्शल सोल से काफी ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पर लीन फेंग स्वॉर्ड एम्परर से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। वहीं यह सब देखकर चेंगहाई भी काफी हैरान होता है। तभी लीन फेंग उसके ऊपर एनर्जी प्रेशर डालने लगता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। अब लीन फेंग बोलता है, तो तुम समझ ही गए होगे कि इस जगह पर कमजोर कौन है।
तो आइंदा अपने सामने वाले से सोच समझकर बात करना। और यह बोलते हुए वह वहां से जाने लगता है। तभी चेंगहाई खड़ा होता है और गुस्से में बोलता है, लीन फैंग, मेरी बेइज्जती करने के बाद तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वह अपनी सोल को बर्न करते हुए अपने स्वॉर्ड एंड टैंट की पावर बढ़ाता है। यह देखकर चेंगहाई के सभी सपोर्टर्स बोलने लगते हैं, सीनियर पहले ही हार चुके हैं, पर वह इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी चेंगहाई अपनी लाइफ एनर्जी को बर्न करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक लीन फैंग की ओर करता है, जो देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। उसी वक्त लीन फैंग विंड क्लाउड टॉर्नेडो टेक्निक का यूज करते हुए चेंगहाई के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं लीन फैंग के इस अटैक की पावर काफी ज्यादा होती है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वहीं चेंगहाई बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है और अब वह बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लीन फैंग इस जगह पर फिनिक्स स्वॉर्ड और विंड स्वॉर्ड दोनों का ही यूज कर सकता है। अब लीन फैंग धीरे धीरे चेंगहाई की ओर आगे बढ़ने लगता है और बोलता है, तो क्या तुम अभी हार मानना नहीं चाहते हो। तभी मास्टर बाईचैन बीच में आते हुए बोलते हैं, यह फाइट खत्म हो गई और लीन फैंग इसमें जीत चुका है। और अब वह चेंगहाई से बोलते हैं कि तुम्हें इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। लीन फैंग को इस जगह पर मल्टी स्वॉर्ड इंटेंट की प्राप्ति हुई है, जिस वजह से वह हर तरह के स्वॉर्ड इंटेंट का यूज कर सकता है। तभी सिनर और मिस हुई भागते हुए लीन फैंग के पास आते हैं और उससे पूछने लगते हैं, क्या वह ठीक है। वहीं मौजूद सभी डिसाइपल्स बोल रहे होते हैं, लीन फैंग अभी बस 17 साल का है और उसके पास इतनी खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट पावर मौजूद है। और अब लीन फैंग इतना पावरफुल बन चुका है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में बस कुछ लोग ही उसका सामना कर सकते हैं। तभी एक स्वॉर्ड मास्टर बाईचैन के पास आते हुए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा डिसाइपल सच में इस जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। मास्टर बाईचैन बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर यह तो बस शुरुआत है। और अब वह लीन फैंग के पास जाते हुए बोलते हैं, लीन फैंग, यह कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका है, तो अगर तुम चाहो तो जाकर अब आराम कर सकते हो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।